अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर के एक छोटे से गांव केल में। तो ये है जी सुबह का व्यू। अभी रात भर यहाँ पे स्नोफॉल होती रही है, अभी स्नोफॉल यहाँ पे रुकी है, अभी भी यहाँ पे काले काले सारे बादल आए हुए हैं। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स अभी सो रहे हैं, हनीफ भाई, सफदर भाई, हरी अप यार, उठता हूँ यार कुछ देर। अभी ये भाई तो लेट हैं, बाजार बिल्कुल यहाँ पे सुनसान पड़ा है और इतनी खामोशी कि आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। यहाँ मैं चल रहा हूँ ना तो स्नो पे जब पाँव पड़ रहा है तो आवाज़ भी आपको आ रही होगी क्लियर। ये देखिए ये सारी ना ये बर्फ़ बन चुकी है, ऊपर ये बर्फ़, नीचे पानी है, ऊपर ये सारी बर्फ़ बन चुकी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात को यहाँ पे क्या टेम्परेचर था। अभी भी काफ़ी ठंड लग रही है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी हाउस हैं ना, यहाँ पे लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं और ऊपर ना लोहे की चादरें रखते हैं, जिसकी वजह से ना जो स्नो होती है वो छतों से फिसल के नीचे गिरती रहती है, वरना काफ़ी वज़न पड़ जाता है। फिर ये बेलचों के ज़रिए ना छतों से बर्फ़ हटाते हैं। बेसिकली मैं सुबह सुबह आपको ये मंज़र दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पर, ये वाला। ये देखिए ये सारा बादल ही बादल है, ये सारा बादल है और ये काफ़ी हाइट बन जाती है। अभी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, नहीं तो मैं यहाँ पे देखता, और ना ही यहाँ पे कोई सिम चलती है। इस एरिया में कोई भी सिम आपकी नहीं चलेगी, जस्ट एस कॉम जो होती है ना वही चलती है। ये देखिए जी बिल्कुल फ्रेश जो है ना ये स्नोफॉल पड़ी है। और जहाँ पे जब भी आप चलें एहतियात से चलें, क्योंकि ऐसे रास्ते जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो बर्फ़ है ना वो बिल्कुल शीशे की तरह हो चुकी है और ऊपर पाँव पड़ा और आप स्लिप होके सीधे नीचे। ये अच्छा है कि मैंने यहाँ पर स्नो शूज़ पहन रखे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रिप अच्छी है, अदरवाइज़ आम शूज़ से यहाँ पर चलना जो है ना बड़ा डेंजर होता है। मेरे सिवा यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई भी अभी सुबह नहीं उठा, सारे घरों में ही हैं क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे धूप निकलेगी, लेकिन धूप निकल चुकी है और देखिए यहाँ पे स्नो कैसे क्रिस्टल की तरह चमक रही है, शायद कैमरे में आपको दिखाई दे रही हो यहाँ पे ये सारी। हनीफ इतना पीछे रह गया, आजा यार जल्दी कर। ये है जी कश्मीर केल वैली और यहाँ पे हम जा रहे हैं श्रोगी लेक की तरफ और आपको वहाँ का व्यू चेक करवाते हैं। और यहाँ पे धूप यकीन मानिए इतनी अच्छी लग रही है ना, ठंडी सर्द हवा चल रही है और ये देखिए खिलखिलाती धूप जो है ना, इसमें खड़े होने का मज़ा ही कुछ लग गया। यहाँ पे नीचे स्नो, आगे धूप, और ये है सारा वादी कश्मीर केल का व्यू। ये है जी केल का गांव, इसमें हम दाखिल हो चुके हैं और आगे ब्रिज जा रहा है वो आपको दिखाते हैं।
शिरोगी ब्रिज। ये सारी ये देखें, ये बर्फ़ जमी हुई है, देखें अभी धूप निकल रही है तो ये सारा पानी बन रहा है। ये पतली पतली गलियां, इधर भी स्नो है, इधर भी स्नो है, और ये दरमियान से रास्ता जा रहा है। ये सारा केल का इलाका है, ये केल की बस्ती है, और यहाँ पे हर तरफ देखिए यहाँ पे स्नो ही स्नो है। लोगों ने इस तरह करके यहाँ पे लकड़ियाँ जो है ना वो स्टॉक करके रख लेनी होती हैं गर्मियों में, और फिर यही सर्दियों के सीज़न में जलाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नो में ना लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं ज़्यादातर, तो फिर ये गर्मियों में ये स्टॉक कर लेते हैं हर घर वाले। यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, चलते हैं इनकी तरफ देखते हैं क्या गेम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आप लोगों ने सीखा कहाँ से? यार नहीं, मिस्त्रियों ने बनाए। पुल कितनी दूर रह गया? करीब है मेरे ख्याल से, ये दरिया के ऊपर से होना है वो पुल। ये जगह जगह पे चौकियां बनी होती हैं, यहाँ पे ये शनाख्त करवानी होती है अपना आईडी कार्ड देके, और यहाँ से आगे जाना है तो यहाँ पे अपनी एंट्री करवाना होती है। तो हम तीन बंदे थे तो मैंने अपनी एंट्री करवा दी, एक बंदा काफ़ी होता है ग्रुप में से, तो इस वजह से होता है कि बाद में बंदा वापस ना आए तो उनकी शनाख्त वगैरह उनके पास मौजूद हो। तो ये ब्रिज है, ये आप देख सकते हैं। यार इस ब्रिज का नाम क्या था भला? ये है जी शिरोगी ब्रिज, जिस पर अभी हम आए हुए हैं ये भला, और यहाँ पर खूबसूरती की इंतहा है। ये नीचे से दरियाए नीलम बहता हुआ यूं जा रहा है आगे से, और इतने ऊंचे ऊंचे बुलंद यहाँ पे पहाड़ हैं, और इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे भी यही सीन है, और वहाँ पे कुछ ख़वातीन बैठी हैं वहाँ पे, वो यहाँ से पानी भर के ले जाती हैं, तो सारा पानी का इस्तेमाल जो है ना वो यहीं से करते हैं। अगर ये बर्फ़ मेल्ट होती है तो या इससे कर लेते हैं या यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये चेक पोस्टें हैं, एक इस जानिब है और एक इस जानिब है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको आपकी अपनी शनाख्त यहाँ पे करवाना होती है, उसके बाद ही आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये सामने वाला जो रास्ता है ये जा रहा है ताऊबट की तरफ, जो कि आगे बंद है, सारा ब्लॉक है, कोई भी गाड़ी को यहाँ पे नहीं जाने दे रहे। बाकी ये वाला रास्ता अभी तक के लिए खुला है, और ये जनवरी की आज 20 तारीख है, स्नोफॉल के काफ़ी ज़्यादा चांस थे, लेकिन आज जो है ना धूप निकल आई है तो हमें लग नहीं रहा कि स्नोफॉल होगी, शायद कल परसों हो जाए, क्योंकि ये पूरा वीक डेढ़ वीक जो है ना ये स्नोफॉल वाला है, इसमें वेदर में स्नो ही दिखा रहा है कि स्नोफॉल होनी है। अभी जैसा कि वो एक ख़वातीन जा रही है वो एक मटका सा लेके पानी भरने के लिए, तो यहाँ से
इसी दरियाए नीलम से पानी का इस्तेमाल करते हैं घरों में लोग, और देख लें कितनी दूरी से या इससे भी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ से पानी लेने के लिए। पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा शीशे की तरह होता है। यही बर्फ़ होती है जो मेल्ट होकर पहाड़ों से, ये जैसे धूप पड़ रही है तो ये मेल्ट होकर नीचे ना इस रिवर में शामिल हो जाता है सारा पानी। We'll be right back.